हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज हमने बनाया स्मार्ट डस्टबिन। ये हमारा स्मार्ट डस्टबिन है। ओके, जैसे कोई सामने आएगा ये ओपन हो जाएगा, देन वो क्लोज हो जाएगा। चलो देखते हैं। आता है सामने, ओपन हो गया, देन क्लोज क्लोज। लॉन्ग टाइम रखेंगे यहाँ पे हम लोग, जब तक हाथ सामने रहेगा तब तक ये ओपन रहेगा। हाथ हटाते हैं, क्लोज हो जाएगा। ओके चलो इसकी वर्किंग कोडिंग देखते हैं कैसे क्या वर्क कर रहा है। ओके चलो, तो दोस्तों चलो देखते हैं सर्किट डायग्राम, वायरिंग कैसे की हम लोगों ने इस मॉडल का। ओके तो देख रहे हो कि अल्ट्रासोनिक जो यहाँ पे लगा हुआ है, अल्ट्रासोनिक हो गया ये। ओके, दो एलईडी लगा हुआ है, रेड और ग्रीन बाजू में यहाँ पे लगा हुआ है। देन हम बैक पे आते हैं, बैक पे क्या लगा हुआ है, आर्डिनो यूनो और सर्वो। ठीक है, ये बड़ी सर्वो लगे हाई टॉर्क के लिए, क्योंकि इसको उठाने के लिए हम लोग को हाई टॉर्क चाहिए इसको ओपन करने के लिए। सो छोटा सर्वो अपने को लोड नहीं ले पा रहा था, हमने बड़ा सर्वो लगाए हैं। ओके तो चलो इसकी वायरिंग देखते हैं। तो ये हमारा हो गया अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रासोनिक देखो चार पिन इसमें है, वीसीसी, ट्रिगर, इको और ग्राउंड। ओके इसको मैं सुन कर लेता हूँ। देखो वीसीसी किस पे गया है, यूनो के 5 वोल्ट से, ग्राउंड गया ग्राउंड पे, ट्रिगर हम किससे कनेक्ट किए पिन नंबर 2 से, इको पिन नंबर 3 से। ट्रिगर से हम बेसिकली फ्रीक्वेंसी देंगे, यूनो के थ्रू फ्रीक्वेंसी देंगे अल्ट्रासोनिक सेंसर को, वो ट्रांसमिट करेगा उस फ्रीक्वेंसी को, देन किसी ऑब्स्टिकल से वो रिफ्लेक्ट होकर रिसीवर के पास जाएगा। देन उसके थ्रू हम कोडिंग वैल्यू निकालेंगे, उस वैल्यू के थ्रू हम सर्वो कंट्रोल करेंगे। ओके तो चलो देखते हैं, ये हो गया अल्ट्रासोनिक। देन पिन एलईडी हमारा है ग्रीन और रेड, जो स्मॉल लैग है एलईडी का उसको हम लोग ग्राउंड कर दिए हैं, और जो अदर लैग है उसको देखो, फर्स्ट लैग है जो रेड कलर का, वो किस पे कनेक्टेड है पिन नंबर 10 पे, ग्रीन है पिन नंबर 9 पे। ओके अब आते हैं सर्वो पे। सर्वो के देखो मेनली 3 पिन रहते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट पिन हमारा ग्राउंड है, कॉमन ग्राउंड कर दिए। ओके इसका एक्सटर्नल 5 वोल्ट दे रहे हैं, और 5 वोल्ट जा रहा है एक्सटर्नल 5 वोल्ट पे, 5 वोल्ट 2 एम्पीयर का एक्सटर्नल पावर सप्लाई दे रहे हैं। और हमारा जो सिग्नल पिन है पिन नंबर 3, वो किस पे कनेक्टेड है पिन नंबर 4 से। ओके हम लोग इसको पावर देने के लिए हम लोग किससे कनेक्ट किए हैं, ये केबल से। ये केबल आपको दिख रहा होगा, आपको दिखाता हूँ मैं, ये केबल है ना कंप्यूटर के थ्रू हम लोग इसको पावर दे रहे हैं यूनो को। ओके यहाँ पे हम लोग लगा रहे हैं इसको, कंप्यूटर से पावर मिल रही है। ओके देख लो अच्छे से। चलो इसे कोडिंग देखते हैं, कोडिंग कैसे किया हम लोगों ने। ये हमारा कोडिंग है, देखो फर्स्ट लाइन हमारा इंक्लूड सर्वो डिटैच, आपको पता ही होगा। अगर आप मेरा वीडियो रेगुलर देख रहे होगे तो हम लोग लाइब्रेरी इंक्लूड करते हैं सर्वो के लिए, तो हमें लाइब्रेरी इंक्लूड किया सर्वो के लिए, सर्वो डिटैच इस सर्वो को इस सर्वो से डिफाइन किए। ओके देन लॉन्ग और इंटीजर, लॉन्ग का ड्यूरेशन, इंटीजर डिस्टेंस। लॉन्ग एक डेटा टाइप है और इंटीजर भी एक डेटा टाइप है। ओके हम लोग एक पर्टिकुलर क्लास लेंगे लॉन्ग डेटा टाइप के बारे में, उसको आप देख सकते हो लॉन्ग क्या है, इंटीजर क्या, क्यों, कहाँ पे इसको यूज़ करते हैं, सब सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। ओके तो हमारा दो टाइप डेटा टाइप लिए हैं, डिस्टेंस के लिए, ड्यूरेशन के लिए। ओके अब आता है वॉइड सेटअप पे। वॉइड सेटअप पे हम लोग क्या किए हैं, सीरियल बिगिन मॉनिटर वैल्यू देखने के लिए सारे पिन को डिफाइन किए, कौन सा पिन आउटपुट है, कौन सा पिन इनपुट है। ओके टू पिन हमारा आउटपुट है, क्योंकि ट्रिगर देखो हमारा पिन नंबर 3 इनपुट है, इको मतलब यहाँ से हम लोग सिग्नल देंगे इसको, देन वो आउटपुट जाएगा, देन वो रिसीव होकर इनपुट में आएगा। ओके 9 हमारा आउटपुट ग्रीन है, 10 आउटपुट हमारा रेड है। सर्वो अटैच किससे हम डिफाइन कर दिए पिन नंबर 4 से। ओके चलो आते हैं वॉइड लूप पे। वॉइड लूप देखो आप यहाँ से लेके यहाँ तक जितना भी कमांड है वो किसके लिए है, अल्ट्रासोनिक के लिए। ओके पहले 2 को लो कर रहे हैं, मतलब लो होगा फिर 2 मिली सेकेंड के लो होगा, देन फिर हाई होगा 10 मिली सेकेंड के लिए सॉरी फिर 2 लो होगा, एक फ्रीक्वेंसी हाई लो करके एक फ्रीक्वेंसी बना रहे हैं हम लोग, वो फ्रीक्वेंसी हम लोग 2 पे डाल रहे हैं, वो ट्रांसमिट करेगा इस फ्रीक्वेंसी को, देन किसी ऑब्स्टिकल से रिफ्लेक्ट होकर किसके पास जाएगा पिन नंबर 3 पे, देन पिन नंबर 3 को हम लोग हाई करके ये पल्स इन कमांड डाल रहे हैं। पल्स इन बेसिकली मतलब फ्रीक्वेंसी को रीड करने के लिए करते हैं, किसी फ्रीक्वेंसी को रीड करना रहता है ना उसके लिए पल्स इन करते हैं। ओके एक पर्टिकुलर कमांड है फ्रीक्वेंसी रीड करने का।
देन ये जो भी वैल्यू आ रही है किस पे स्टोर हो रही है, ड्यूरेशन पे, जो हमारा लॉन्ग ड्यूरेशन है इस पे स्टोर हो रही जाके। ओके देन ये जो वैल्यू आई है अभी, ये नॉर्मल वैल्यू है, उसको हम लोग सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए ये कमांड डाले हैं। ये जो भी वैल्यू आ रही है उसको इंटू कर रहे किसे, 0.034 डिवाइडेड बाई 2, फिर जो वैल्यू आई है वो सेंटीमीटर में चेंज होके आएगी। ओके तो अभी आ गया है, डिस्टेंस में सेव हो रही है हमारी वैल्यू। अब डिस्टेंस को हम लोग सीरियल प्रिंट और प्रिंट कर दें, क्योंकि हम लोग को देखना पड़ेगा क्या वैल्यू एग्जैक्टली आ रही है। चलो प्लग करते हैं, हम लोग प्लग करके देखते हैं वैल्यू आ क्या रही है। पावर आ गया इस पे। ओके चलो मॉनिटर पे देखते वैल्यू क्या आ रही है। देखो अभी के नॉर्मल कंडीशन पे इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 87। अभी हम लोग स्क्वायर घुमाएंगे इधर, वैल्यू थोड़ी बढ़ी हो सकती है, देखो बढ़ रही है क्योंकि स्ट्रेट जा रही है। अभी सामने कुछ था, सामने कुछ था इसलिए इसकी वैल्यू कुछ आ रही थी। ठीक है अब जैसे हम लोग हाथ को इसके पास ले जाएंगे, देखो कम हो रही है तो दूर कर दो मैं आपको। देखो जैसे जैसे पास लाएंगे इसकी वैल्यू कम हो रही है, धीरे 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 बढ़ रही है। अभी कितना है, 6, 9, 10 प्रॉपर रखोगे तो प्रॉपर सेंटीमीटर वैल्यू देगा। ओके तो हम लोग क्या किया है, डिस्टेंस आप अपने अकॉर्डिंग डिस्टेंस को कम ज़्यादा कर सकते हो। तो हमने क्या यहाँ पे कोडिंग किया है, देखो अगर ये जो जो भी वैल्यू आ रही है डिस्टेंस हम सेव करें, अगर डिस्टेंस 50 से कम होती है, ठीक है नॉर्मल कंडीशन में कोई दिक्कत, जैसे 50 के अंदर कोई भी इंसान आता है या कोई भी हाथ आता है तो क्या होगा, हमारा डिजिटल रेट 10 हाई होगा, मतलब रेड LED ऑन हो जाएगा। देखो 2 मिनट आपको, देखो रेड LED ऑन हो गया। अभी सर्वो के पावर निकाल चुके हैं, सर्वो भी काम नहीं कर रहे हैं, सर्वो पावर लगा देखेंगे लास्ट में। तो 10 हाई होगा, ग्रीन लो होगा और सर्वो राइट 20 होगा। ओके तो ये सर्वो हमारा जो है यहाँ पे ये है, इसकी एंगल चेंज हो जाएगी। ओके ये सर्वो हमारा है, इसकी एंगल यहाँ पे आ जाएगी। ओके ये पुश करके इसको ओपन कर देगा। ओके सेम एज इट इज़ देखो, अगर ये नहीं होता, अगर 50 से कम नहीं होता, मतलब 50 ज़्यादा जब भी होगा तो कंडीशन आएगा एल्स डिजिटल रेट 9 हाई होगा, मतलब ग्रीन LED ऑन रहेगा, 10 लो रहेगा और सर्वो नाइट राइट होगा 90, मतलब जो स्टिल पोजीशन अभी 90 का है। अभी देखो इसकी जो एंगल है वो 90 की ही है, अभी 90 एंगल पर ही है तो 90 एंगल पर रहेगा। जैसे ही कुछ आएगा ये घूमेगा और इसको ओपन कर देगा। ओके चलो एक बार हम लोग इस पे पावर देके देखते हैं। आप भी अगर बनाओगे ना तो ऐसे ही बनाना, इस टाइप से बनाना, ये ज़्यादा दिखने में अच्छा लगता है। क्योंकि अभी जितने भी आप देखोगे यूट्यूब पे वो सेंटर में से कट करते हैं यहाँ पे, देन यहाँ पे सर्वो लगाते हैं, फिर इसको ओपन क्लोज करते हैं, वो ज़्यादा लुक पे अच्छा लगता नहीं है। तो आप ऐसा बनाना ज़्यादा अच्छा दिखेगा। तो हम लोग पावर लगाते हैं, ये हो गया हमारा अडेप्टर जो सर्वो के लिए लगाया हम लोग। चलो टेस्ट करके देखते हैं, जस्ट अ सेकेंड, मेरा कैमरा कनेक्शन लूज हो गया है, चलो देखते हैं। ओके तो देखो पावर दे दिया हम सर्वो को, जैसे हमारा हाथ आएगा सेंस करेगा ये ओपन हो जाएगा, देन हम लोग हटाएंगे हाथ क्लोज हो जाएगा, ओपन क्लोज। ओके
देखो ओपन कमांड हमारा ये है ओपन करने का, और क्लोज करने का कमांड कौन सा है हमारा ये। ओके अब डिले को अभी देखो, डिले डाले हम लोग, अगर इसको हम लोग देखते हैं तो देखो डिले कम करते हैं यहाँ पे। ओपन क्लोज जो टाइमिंग हमारी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है आप डिले और टाइमिंग जो ये डिले है अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, कितने डिले के लिए आपको गेट को ओपन इसको ओपन रखना है, कितने सेकंड के लिए इसको क्लोज रखना है, अपने अकॉर्डिंग आप चेंज कर लेना। डिस्टेंस को आप चेंज कर सकते हो, आपको 50 मिनट 50 सेंटीमीटर में चाहिए, 100 सेंटीमीटर में चाहिए, जितना सेंटीमीटर में आपको डिस्टेंस चाहिए कि उस सेंटीमीटर के बीच में उस डिस्टेंस के बीच कोई भी आता है तो ये ओपन हो जाए, उस सेंटीमीटर को अपने अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हो। ओके आई होप वीडियो पसंद आया होगा, थैंक यू।